सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रहता है, अकोमोडेशन कैसी ढूंढी जाए कनाडा के अंदर। मेरे जो व्लॉग वाला वीडियो था उस पर कुछ कमेंट भी आ रखे थे कि अकोमोडेशन का बताओ भाई, तो भाई मैं सब कवर करने वाला हूँ। अब तीन तरीके बताऊँगा आपको मेन, कैसे आप अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो। होते मल्टीपल है, मैं तीन ही कवर करूँगा क्योंकि ना आप पे ज़्यादा टाइम है ना मेरे पे ज़्यादा टाइम है, हमें जल्दी जल्दी चीज़ें कवर करनी है, बहुत कम टाइम रह गया। अब सब बच्चे आ रहे होंगे सितंबर इनटेक के। तो भाई अकोमोडेशन का मैं स्पेसिफिकली ओशवा रीजन कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, लेकिन आप कहीं भी हो कनाडा के अंदर आपके ये टिप्स काम आएगी, ये थ्रू आउट कनाडा काम करेगा। मैं बस आपको बताऊँगा आप कैसे ढूंढ सकते हो। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जगह जहाँ आपको कोई भी अकोमोडेशन का कोई सोर्स मिलेगा वो रहता है आपका फेसबुक का मार्केट प्लेस। अब आपके सामने एक वीडियो प्ले होगी स्क्रीन के ऊपर, आप उसमें देख सकते हो कि हम इसमें अपना लोकेशन डाल सकते हैं ओशवा रीजन, और इसमें आप फिल्टर्स भी लगा सकते हो कितने किलोमीटर का रेंज है और कहाँ पे है, और आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो मैप पे। और उसके बाद आपको उसमें सारे जितने भी आपके रेंटल अकोमोडेशन अवेलेबल होंगे वो आसानी से दिख जाएंगे। अब फेसबुक मार्केट प्लेस का पॉइंट क्या है कि जो मार्केट प्लेस है ना भाई, एक तो यहाँ पे कनाडा में फेसबुक काफ़ी यूज़ होता है, तो आपको मार्केट प्लेस पर बिल्कुल जो सबसे ज़्यादा अपडेटेड जगहें होंगी ना वो मिलेगी जो अवेलेबल है। तो आप मार्केट प्लेस पर जाओ, सर्च करो अकोमोडेशन, अपना बजट वगैरह देखो। यहाँ पे जो आपके मैसेंजर से मैसेज जाता है, जो भी यहाँ पे सेलर होता है उसके पास आप डायरेक्ट कांटेक्ट करो। कई बार आपको डायरेक्ट ओनर से कांटेक्ट होगा, कई बार आपका बीच में जो एजेंट होता है उससे कांटेक्ट होगा। अगर एजेंट से कांटेक्ट हो रहा है तो आप नेगोशिएट कर सकते हो, ओनर से हो रहा है तो भी कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप सीधा ओनर से बात करो, एजेंट्स बीच में कई बार अपना भी कमीशन रखते हैं, तो ओनर वाले जो घर होंगे वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये हो गया हमारा पहला प्लेस। दूसरा प्लेस हमारा आता है जहाँ पे आपको घर मिल सकते हैं आसानी से, वो है आपका कीजीजी। अब कीजीजी को मैंने नीचे क्यों रखा मार्केट प्लेस से, एक तो कीजीजी पे ना कई बार जो एक्सपायर्ड वो होते हैं ना एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो भी पड़े होते हैं। एक बार मैं कीजीजी पे जब कोई अकोमोडेशन ढूंढ रहा था तो वो 2022 का एक्सपायर हो रखा था और मुझे वो 23 में भी दिख रहा था, तो मैं उसको कॉन्टैक्ट कर रहा था, तो उसने मुझे बताया कि भाई वो एक्सपायर हो चुकी है, अब तक हटी नहीं है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए मैंने सजेस्ट नहीं करा, लेकिन कीजीजी पे भी आपको मिलते हैं। कई बार एरिया टू एरिया डिपेंड करता था, जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त जो ब्रैम्पटन एरिया पे हैं उनको कीजीजी के थ्रू बहुत सारे अकोमोडेशंस मिले हैं, बहुत सारे सोर्सेज मिले अच्छे, लेकिन सबसे टॉप पे मार्केट प्लेस ही रहेगा। बट आप कीजीजी पे जाओ, कीजीजी पे भी नॉर्मल आपको सर्च करना है, अपना एरिया डालना है, उसमें आप जितने भी अकोमोडेशन है उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो बायर से, जितना भी प्राइस नेगोशिएशन आप डाउनलोड कर सकते हो। तीसरा जो मैं सजेशन दूंगा आपको वो दूंगा कि अपने कॉलेज के अंदर ढूंढो कि अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ है या नहीं है। मैं धर्म कॉलेज में हूँ, मेरा कॉलेज भी अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ देता है, थोड़ी एक्सपेंसिव है। जैसे मैं यहाँ रहता हूँ कनाडा के अंदर, तो मैं यहाँ पे 459 पे करता हूँ। अब जो आपके कॉलेज वाले अकोमोडेशन होंगे वो आपके 650-700 इस रेंज में होते हैं, बट वो कॉलेज के एक तो बहुत पास होते हैं और उनकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और प्राइवेट रूम्स भी होते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि कई कॉलेजों में सस्ते अकोमोडेशन भी मिल जाते हैं, वो चीप रेट पर भी आपको दिलवा देते हैं, और कई बार कॉलेज के टाई अप्स होते हैं काफ़ी सारे एजेंट्स के थ्रू, तो उसके थ्रू भी आपको हेल्प मिल सकती है। कॉलेज में आपके काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती है जिसको हम बच्चे यूटिलाइज ही नहीं कर पाते, हमें लगता है कॉलेज क्यों देगा, क्यों हेल्प करेगा। कॉलेज का जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट होता है हर कॉलेज का, उनसे कांटेक्ट करने का ट्राई करो, वो आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प करेंगे। क्योंकि मेरा भी दोस्त रिसेंटली आया था जिसके साथ मैं आजकल ब्लॉग्स कवर कर रहा हूँ, उसको मैंने यहाँ आने से पहले ही घर दिलवा दिया था भाई, और मेरे से कम रेंट पे कर रहा है, वो 400 रेंट पे कर रहा है, और मुझसे बेटर लोकेलिटी, लोकेलिटी तो अलग अलग वो रहता है, जैसे ये कॉलेज के पास है, इसका घर कॉलेज के सामने है, मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, मेरा लोकेलिटी भी अच्छा है नो डाउट, बट मेरा थोड़ा दूर है, मेरा जॉब के पास है बट कॉलेज से दूर है, इसका कॉलेज के बिल्कुल सामने है। तो $400 में कॉलेज के सामने सेकंड फ्लोर पे, बेसमेंट नहीं सेकंड फ्लोर पे उसको मैंने घर दिलवाया था अपने किसी सोर्स के थ्रू। तो अगर आपके सोर्सेज है कनाडा में, आपका कोई नोन है, कोई सीनियर है, कोई यहाँ पढ़ रहा है, लिंक्डइन भाई, लिंक्डइन पे आपको आपके कॉलेज के सारे बच्चे मिल जाएंगे, शेरिडन कॉलेज हो, जॉर्जियन हो, जॉर्ज ब्राउन हो, हम्बर हो, इन सारे उस पर जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, इन सारे कॉलेजेस के नाम सर्च करो, अपने कोर्स का नाम सर्च करो, उसमें आपको सीनियर्स मिलेंगे, उनसे बात करो। कई बार सीनियर्स अपना प्लेस वो कर रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, तो वो आपको बता सकते हैं, कोई आपको लिंक प्रोवाइड करा सकते हैं, सोर्स प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जो बंदा ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स तो आपका वो है। बट ये जनरली ना भाई, लोग कनाडा में आके ना लोगों पर टाइम नहीं होता। अब मेरे भी कुछ दोस्त थे कनाडा आने से पहले, मैं उनके कॉन्टैक्ट में था, मैं उनको बोलता था कि भाई घर का थोड़ा दिखवा देना, ये कर देना, बट उन्होंने नहीं दिखवाया, कोई हेल्प नहीं करी मेरी। तो अगर वो वीडियो देख भी रहे हैं तो देख ले, कुछ कर तो नहीं सकते, पर उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं करी, बट मैंने अपने दोस्त की हेल्प करी थी और उसका सारा काम सॉर्ट करवा दिया था। तो अगर कोई सोर्स है तो वेल एंड गुड, सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ वही है, आपको आसानी से घर मिल जाएगा। नहीं भी है तो टेंशन मत लो, मेरा भी कोई नहीं था, मैंने आपको अभी बताया। मार्केट प्लेस के थ्रू हम चार लड़के थे, मेरे चार तीन रूममेट्स हैं, हमने एक जगह ढूंढी थी, उनके ओनर से बात करी थी, और हमने सारा अपना वो एग्रीमेंट वगैरह करके हमने घर लिया था। तो अब मैं आपको कुछ
टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ, कुछ रिस्क फैक्टर्स बताता हूँ जो आपके हो सकते हैं घर लेते टाइम, किसी भी सोर्स से लो। पहला कि कुछ जगहों पे जो मार्केट प्लेस वगैरह होते हैं वहाँ पे फेक एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं भाई, वहाँ पे फर्स्ट मंथ लास्ट मंथ का रेंट देना पड़ता है जितने भी लीज एग्रीमेंट होते हैं उनके लिए, तो वो सीधा दे देते हैं। अब इसके लिए मैं बोलूँगा, पहली बात तो खूब डीप रिसर्च करो, ठीक है, एक सोर्स को मिलती ही उसके मत जाओ, 10-12 देखो। अब अगर कोई एक मिल भी गया है तो ट्राई करो आप उसको फिजिकली वेरीफाई करवा सको। इसलिए मैंने आपको बोला नेटवर्किंग करो, आपको कई लोग मिल जाएंगे यहाँ पे जो लोगों की हेल्प कर देते हैं या जिनको एटलीस्ट पता होता है कि हाँ ये जगह एग्जिस्ट करती है। इतने सारे फेक एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं यहाँ पे जो जगह एग्जिस्ट भी नहीं करती है, बच्चे उनको अपना रेंट दे देते हैं फर्स्ट मंथ लास्ट मंथ का और बूम सब गायब, कोई नहीं आपको बचा सकता, अब आपके पैसे जा चुके हैं। तो ये इन स्कैम्स में मत फंसना भाई। मैं जब कनाडा आया था तो हमने चारों रूममेट्स ने एक चीज़ करी थी, हमने अपने जो हमारे लैंडलॉर्ड थे इंडियन ही थे वो, पहले इंडियन लैंडलॉर्ड्स मिलते हैं आपको तो वेल एंड गुड, आप उनसे और ज़्यादा अपने हिसाब से बात कर सकते हो। तो हमने उनको बोला था कि हमने आना पक्का है, बट फर्स्ट मंथ लास्ट मंथ रेंट देने में थोड़ा हमें भी हेजिटेशन था और वो इस चीज़ को समझ रहे थे क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम आ रहे थे। तो हमने उनको एक छोटा सा टोकन अमाउंट दिया था कुछ $100 के आसपास का, ताकि उस जगह को हम रिजर्व करवा सकें, और उसके बाद हमने आते ही उनको सारा अमाउंट पे कर दिया था और अपना लीज एग्रीमेंट साइन कर दिया था। तो ये जो टोकन अमाउंट वाली चीज़ है ना, लोग अप्रोच करते नहीं है अपने ओनर्स को, करो, ओनर्स भी नेगोशिएट करने को तैयार है, वो भी बच्चे ढूंढ रहे होते हैं और बच्चे भी ओनर्स को ढूंढ रहे होते हैं जगह के लिए। तो ये बिजनेस है दोनों साइड का, किसी एक साइड का नहीं है, उनको भी चाहिए कि उनका घर टेनेंट ले कोई आके। तो उनको बोलो कि मैं आपको टोकन अमाउंट दे देता हूँ, $1200 देने से अच्छा $150 देना है, राइट, भगवान ना करे कुछ हो भी तो बहुत छोटी अमाउंट है, $150 भी इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट बट बेटर देन $1200, राइट। तो उनको बोलो कि मैं एक टोकन अमाउंट दे देता हूँ आपको, मैं आते ही आपको सारा रेंट पे कर दूंगा, बस मेरे को अभी यहाँ से वहाँ भेजने में थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है, तो अमाउंट ले लो आप, टोकन मेरा रिजर्व कर दो, मैं आके आपको सारा क्लियर कर दूंगा। तो ये टेक्निक जरूर यूज़ करना, काम करेगी, मेरे केस में करी थी, मैंने ऐसे ही एक छोटा सा अमाउंट दिया था बहुत यहाँ आके रेंट पे करा था, क्योंकि मुझे भी भाई हेजिटेशन था, मैं भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ मेन इनटेक का, तो मेरे को भी लग रहा था कि भाई स्कैम ना हो जाए कुछ ना हो जाए। अब दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, अगर आप अकेले घर ढूंढोगे, जैसे अगर आप खुद के लिए घर ढूंढ रहे हो, तो उसमें आपको थोड़े प्राइजेस ज़्यादा मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो एक प्राइवेट रूम खुद के लिए ले लेते हैं और उसके बाद उसको शेयरिंग के लिए उन्होंने, जैसे अगर $800 का लिया है तो वो उसको शेयरिंग में 500 का देते हैं ताकि अल्टीमेटली वो प्रॉफिट में जा सके, इसको सब लीजिंग भी बोलते हैं। तो अब आप क्या करो, फेसबुक पे जाओ, अपने कॉलेज का नाम लिखो, उस कोर्स का इंटेक का नाम लिखो, आपको इतने ग्रुप्स मिल जाएंगे भाई, धर्म कॉलेज के हम नाम लिख के देख लो, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हूँ मैं, मुझे इतने सारे ग्रुप्स मिल गए थे वहाँ पे, मैंने बच्चों से कनेक्ट करा, हम चार का हमने ग्रुप बनाया था, हम चारों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थे, हमने ग्रुप में घर ढूंढा। अब ग्रुप में जब घर ढूंढोगे ना, तो आप एक स्ट्रांग होल्ड ये रहता है कि आप एक पूरा बेसमेंट रेंट कर सकते हो या आप एक पूरा 2 BHK का कॉन्डो रेंट कर सकते हो। अगर आप अकेले घर ढूंढने जाओगे तो आपको डिपेंड होना पड़ेगा उन लोगों के ऊपर जो शेयरिंग में अपना एक स्पॉट दे रहे होते हैं, या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से रहना पड़ेगा। अगर आप पूरा वो यूनिट ही ले लोगे चार बंदे, तो आपको सस्ता भी पड़ेगा, जैसे हमें 450 का पड़ रहा है, हमारा भी काफ़ी अच्छा यूनिट है, कोई बोलेगा तो मैं उसका भी टूर दे दूंगा बाद में अपने लैंडलॉर्ड से ऑब्वियसली परमिशन लेने के बाद। और अगर मैं अकेले ढूंढने जा रहा था तो मेरे को 500-550 इस रेंज के अंदर मिल रहे थे। तो जो लोग पिछली वाली वीडियो में बोल रहे थे कि भाई आप कहाँ रहते हो, आपका अकोमोडेशन का कितना है, तो मैं भाई 450 पे करता हूँ, और मेरा दोस्त जो कॉलेज के बिल्कुल सामने रहता है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 450 पे करता है, अगर यूटिलिटीज़ को मैं इंक्लूड कर दूँ तो, वो तो बिल्कुल कॉलेज के सामने बिल्कुल सामने रहता है भाई, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो कैसा प्राइस है, कैसा आपका वो है, एरिया कैसा है, प्राइस मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा नहीं है, इन्फ्लेशन चल रहा है कनाडा में, मिनिमम वेजेस भी बढ़ने वाली है, तो उस हिसाब से 450-400 वाला डील मिलना इज़ नॉट अ बैड डील मेरे हिसाब से। और इसका लोकेलिटी मैं आपको दिखाऊंगा किसी ब्लॉक के अंदर, तो आप खुद हैरान रह जाओगे, इतना अच्छा एरिया है, बेसमेंट नहीं है, कोई इंसेक्ट्स का इशू नहीं, कुछ नहीं, अपना सेकंड फ्लोर है, मस्त शेयरिंग है, बड़े साइज का रूम है, कबर्ड है, सब कुछ है। तो मेरे हिसाब से इसको बहुत अच्छी डील मिली है, सारा क्रेडिट मेरे को ही जाता है। आप भी ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपको ऐसे ऐसे डील्स दिलवा सकते हैं। बाकी मैंने आपसे थोड़े बहुत रिस्क फैक्टर्स डिस्कस करे जिनका आपको ध्यान रखना है। और एक तीसरी चीज़ और, कई बार आपको सामने से सेलर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करता है, ठीक है, उस केसेस में वो 90% टाइम्स फ्रॉड होता है भाई, वो आपको पूरा भरोसा दिलवा देंगे, आपको पूरा वीडियो बना के भेज देंगे, घर का सब कुछ भेज देंगे, लेकिन अगर आप उनको भेजोगे ना कि जी मैं उस एरिया में इस बंदे को जानता हूँ, तो वो घर देखने कब आए, तो उस टाइम देखना उनके अंदर कितना हेजिटेशन होगा कि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, मैं अभी इंडिया में हूँ, मैं वापस आऊँगा तो कर दूंगा, लेकिन आपको पैसे अभी देने पड़ेंगे वरना मैं किसी और को दे दूंगा। तो उनको बोलो दे दे किसी और को, नहीं चाहिए उनको, क्योंकि वो आपको स्कैम कर रहे हैं, पैसे जाएंगे भाई, $1000-1200 बहुत होते हैं, अगर आपको ऐसी स्कैम में डुबाने हैं मेरे को दे देना, मैं रख लूँगा। तो इसलिए इन बातों को अच्छे से याद रखना, घर ढूंढना है, मार्केट प्लेस वगैरह पे ढूंढो,
प्रेफर करो इंडियन ओनर्स रहे, ताकि आप वो टोकन अमाउंट वाली चीज़ उनसे नेगोशिएट कर सको, क्योंकि ये बाहर के लोगों को ज़्यादा ये चीज़ें समझ नहीं आती है, ठीक है। और अगर ये लीज वाली चीज़ आपसे नहीं सॉल्व हो रही, मतलब वो ओनर नहीं मान रहा है कि जी मैं टोकन अमाउंट नहीं लूँगा, तो ग्रुप्स, मैंने आपको बोला ना ग्रुप्स में कर ढूंढ लो। जब तुम लोग कनाडा आ रहे होगे ना भाई, तुम में से कोई ना कोई एक पक्का थोड़ा पहले डेट पे जा रहा होगा। जैसे हम चारों में भाई इतना वेरिएशन था कि मेरा जो एक दोस्त है यहाँ पे, मेरा रूममेट है, वो 1 अप्रैल को आ गया था मेन टेक का स्टूडेंट, और मैं आया था 24 अप्रैल को। तो वो 1 अप्रैल को जो आया था वो यहाँ आया, उसने जगह वेरीफाई करी, तो मेरा जो टोकन अमाउंट गया हुआ था, मेरे को कितना शांति पीस मिला था मुझे उस टाइम, कि मैंने सही जगह पे पैसे दिए, क्योंकि इसने आके वेरीफाई कर लिया यहाँ घर सही में एग्जिस्ट करता है। वरना फिर कुछ लोग एक और प्लान यूज़ करते हैं, वो आते हैं एयरबीएनबी वगैरह लेते हैं और फिर बाकी टाइम घर ऑफलाइन ढूंढते हैं। तो मैं बोलूँगा कि वो चीज़ थोड़ा बेकार है, तो उसमें आपके पैसे बहुत जाएंगे। मतलब कोई टोकन अमाउंट देकर अच्छा कोई घर रिजर्व करवा लो आप, उससे डबल ट्रिपल आपको एयरबीएनबी में खर्चना पड़ेगा। अगर कोई दोस्त है उसके रुक सकते हो तो अलग बात है, प्लस थोड़ा पहले ढूंढना स्टार्ट करना पड़ता है भाई। अगर आप सोच रहे हो यहाँ के इजीली मिल जाएगा, तो उतना आसान नहीं है। इतने बच्चे आते हैं भाई, आपको पता है कनाडा से, कनाडा में कितना बच्चा आ रहा है इस टाइम। तो अगर आप ये सोच के बैठे हो लास्ट मोमेंट पर सब कुछ आपके हिसाब से हो जाएगा, तो ये तो बहुत गलत सोच रहे हो आप, फिर तो कुछ नहीं होने वाला। तो थोड़ा हाथ पैर चलाओ, मार्केट प्लेस, मैंने बोला ना आपको, मार्केट प्लेस एक ऐसी जगह है जो आपको, मैं बता रहा हूँ, 90% चीज़ें कनाडा में दिलवाएगी। जो फ्री फर्नीचर वगैरह होता है वो भी सब मार्केट प्लेस पे ही मिलता है, मैक्सिमम चीज़ें आपको मार्केट प्लेस में मिलेगी। और फेसबुक कनाडा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, फेसबुक को तो यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना, आपको सारी चीज़ें यहाँ फेसबुक के थ्रू ही मिलेगी, ग्रुप्स वगैरह। प्लस भाई थोड़ा एक्सप्लोर करो चीज़ों को, इंस्टाग्राम पे जाओ, सब यूज़ करते हो इंस्टाग्राम, रील्स देखते हो पूरे दिन वहाँ पे। अपने कॉलेज का नाम रखो, मेरा मेरा कॉलेज है धर्म, इतने पेज है धर्म के, वहाँ पे इतने लोग कनेक्ट होने का ट्राई करते हैं एक दूसरे से, कमेंट सेक्शन में उनसे कनेक्ट हो, ग्रुप्स फॉर्म करो, साथ में मिलके घर ढूंढो, मिल जाएंगे भाई घर। और थोड़ा हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, फ़ोन करना पड़ेगा वहाँ पे ओनर्स को, उनका जो कैनेडियन नंबर होता है ना, कुछ लोग फ़ोन ही नहीं करते भाई, उसको व्हाट्सएप पे सेव करके व्हाट्सएप कॉल भी तुम कर सकते हो। मैं भी करता था, मैंने कम से कम नहीं तो 15-20 जगहों पर फ़ोन करा था, 15-20 डील से चेक कर दिया, फिर जाके हम चारों जब एकदम रिग्रेसली ढूंढ रहे थे ना कि भाई मिल जाए घर मिल जाए घर, तब एक हमें ये लीड मिली थी और आज हम वहीं पर ही रह रहे हैं। तो प्राइस मैंने आपको डिस्कस करा, 400 से 500 डॉलर्स के बीच आपको ईजिली मिल जाएगा ऑस्ट्रो में, और अगर आप लकी हो तो 380-370 की रेंज में ही मिल सकता है। थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन वाले डील्स में, जैसे कई जगहों पे लिखा होता है गुजराती प्रेफर्ड, कई जगहों पे होता है वेजिटेरियन प्रेफर्ड, तो वो चीज़ भाई देख लेना। बाकी मेरे को थोड़ा इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं पसंद था, तो मैं 450 देने को तैयार हूँ, बट मेरे को थोड़ा अपना फ्रीडम है, अपने हिसाब से रहना है, नॉनवेज वगैरह जो भी मेरे खुद के प्रायोरिटीज़ है मुझे उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। बट अगर आप कर सकते हो तो 380-370 में भी कुछ डील्स मिलती है, बाकी कोई ऐसा नहीं है भाई कि ओवरली एक्सपेंसिव है। मेरा दोस्त भाई कॉलेज के सामने 450 में रह रहा है, तो जो लोग यूट्यूब पर फालतू की बातें कर रहे हैं कनाडा में हद से ज़्यादा महंगाई है, ये है वो है, घर ही नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अभी तो जॉब वाली वीडियो देखना भाई, मेरे पास जॉब वाली वीडियो के लिए भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स है, और एक सरप्राइज़ भी है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि हम लोगों के साथ हुआ, जो लोग इतनी सारी नेगेटिविटी फैला रहे हैं उन लोगों के लिए एक जवाब है हमारी तरफ से। तो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर, साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल देंगे हम सारी जितने भी ये थे, कैसे आपको नेविगेट करना है इन वेबसाइट्स को। कुछ लोगों को नहीं पता होता, उसमें किसी का कोई मजाक उड़ाने की चीज़ नहीं है, हम सब कुछ सीख रहे हैं लाइफ में, तो मैं उसमें सब कुछ डाल दूंगा, कैसे आपको सर्च करना है क्या करना है। बाकी मैंने आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी है, और इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में।